हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी ए ड्रीमर्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। उसमें हमने उस टॉपिक को पूरा कवर कर लिया था कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या होती है, उसकी क्या ज़रूरत होती है और क्या इंपॉर्टेंस होती है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अबाउट कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है, इसकी हमें क्या ज़रूरत होती है और क्या इसका प्रोसीजर होता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को अप्लाई करने का। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज़ अ बिजनेस एनालिसिस विच आइडेंटिफाइज कॉम्पिटिटर्स इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप होता है वो एक बिजनेस एनालिसिस होती है जिसमें कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो मतलब डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हों, या फिर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो यानी कि इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हों। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बेसिकली हम इसमें अपने कॉम्पिटिटर्स की स्टडी कर रहे होते हैं, तो वही का है कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग। ये अपने कॉम्पिटिटर्स को पहचानने के बारे में है, अपने कॉम्पिटिटर्स को अंडरस्टैंड करने के बारे में है। एट द सेम टाइम और साथ ही साथ इट परमिट द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ देयर विजन मिशन कोर वैल्यूज़ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मतलब ये एक तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये हमें अलाउ करता है कि हम उनके विज़न मिशन कोर वैल्यूज़ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की भी स्टडी कर पाएँ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर एन एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। मतलब कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को अप्लाई करना, उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस को अप्लाई करें। मतलब कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस को अप्लाई करके ही हम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एन इनडेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ फर्म्स कॉम्पिटिशन अलाउज इट टू असेस द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मतलब जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब ठीक से उनके बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, तो फिर क्या होगा कि एनालिसिस ऑफ फर्म्स कॉम्पिटिशन, जो भी हमारे फर्म का कॉम्पिटिशन है उसके बारे में अगर हम एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अलाउज इट टू असेस द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो वो हमें अलाउ करता है कि हम असेस कर पाएँ, हम पता कर पाएँ, जाँच कर पाएँ, चेक कर पाएँ कि हमारे कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस है इन द मार्केट प्लेस पर, एंड हेल्प्स इट टू चूज़ एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव स्ट्रेटजी। और हमें हेल्प करता है कि हम चूज़ कर पाएँ और अप्लाई कर पाएँ एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी को, स्ट्रेटजिकली हम थिंक कर पाएँ, स्ट्रेटजिकली हम चीज़ों को मैनेज कर पाएँ टू विन ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स, एंड डेट विल इम्प्रूव इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और ये हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को इम्प्रूव करेगा। क्या मतलब हुआ कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेसिकली क्या होती है कि अगर हम कुछ भी अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छा कर रहे हैं, हम उन्हें या तो हमारे कस्टमर्स को क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, हम हमारे कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइसेस दे रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर, मतलब कुछ भी अगर हम अपने राइवल से अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो वो हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, मतलब क्या प्रोसीजर होता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को अंडरस्टैंड करने का, उसको समझने का। सबसे पहला स्टेप बताया गया है आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। अब वही जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने कॉम्पिटिटर की स्टडी करना चाहते हैं, उसके बारे में समझना चाहते हैं, उसकी हर स्ट्रेटजी को पता करना चाहते हैं उसके बारे में, तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन हमारा कॉम्पिटिटर है। पहला स्टेप क्या होता है आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। सबसे पहले तो आप यही पता करें कि कौन आपका कॉम्पिटिटर है। द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज़ टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। मतलब पहला स्टेप होता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझने का कि हम अपने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करें। इन द फर्म्स इंडस्ट्री, जो भी हमारी इंडस्ट्री है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं उसमें हम आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर हैं, एंड हैव एक्चुअल डाटा अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर। और हम एक्चुअल डाटा पता करें, एक्चुअल डाटा निकलवाएं कि क्या उनका रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर है, यानी कि कितनी मार्केट उन लोगों ने कैप्चर कर रखी है। इससे हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि हु आर द कॉम्पिटिटर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं कौन। सेकंड स्टेप होता है अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर। जब हमें एक बार पता चल गया कि हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन हमारा कॉम्पिटिटर है, अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें।
वंस द कॉम्पिटिटर हैव बीन आइडेंटिफाई, एक बार जब हमने अपने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई कर लिया, द स्ट्रेटजिस्ट कैन यूज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, तो जो स्ट्रेटजिस्ट है, जो भी हमारी स्ट्रेटजी बना रहा है, वो यूज़ कर सकता है मार्केट रिसर्च रिपोर्ट को, इंटरनेट को। भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आजकल इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल है कि उनका बिजनेस क्या है, वो कैसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, उसके प्राइसेस क्या हैं, हर चीज़ आजकल इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो फिर जो हमारा स्ट्रेटजिस्ट है वो रिपोर्ट के ज़रिए इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, इंडस्ट्री रिपोर्ट से, वेरियस अदर सोर्सेज से अंडरस्टैंड कर सकता है हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय देम इन डिफरेंट मार्केट्स, और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में क्या क्या सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं। इससे कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि आखिर उनके प्रोडक््स, उनकी सर्विसेज क्या हैं, वो कौन से प्रोडक्ट मार्केट को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने। थर्ड पॉइंट है कि ये पता करना कि डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रेंथ है, व्हाट डू दे डू वेल, मतलब वो क्या अच्छा कर पाते हैं, व्हाट डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट्स, क्या वो ग्रेट प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, मतलब क्या वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, डू दे यूटिलाइज मार्केटिंग इन अ वे डैट कंपैरेटिवली रीचेज आउट टू मोर कंज्यूमर्स, क्या वो ऐसी कोई मार्केटिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कोई मार्केटिंग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई मतलब मार्केटिंग की जो सेल मार्केटिंग की टेक्निक्स होती हैं उनको यूज़ कर रहे हैं जो कि ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूमर्स तक पहुँच रही है। Why do consumers give them their business? Consumers उनको business दे ही क्यों रहे हैं, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिनकी वजह से consumers purchase कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा customers जा रहे हैं। तो इससे हमें जो हम ये analysis करेंगे, इससे हमें कौन कौन से questions का answer मिलेगा कि what are the products, what are their financial position, मतलब उनकी financial position क्या है, वो financially कितने strong हैं, कितने weak हैं, व्हाट गिव देम कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज, उनको कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज किस चीज़ से मिलती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि वो कम प्राइजेस पर ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, व्हाट आर दे लाइकली टू डू नेक्स्ट, वो आगे और क्या करने वाले हैं, उनकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, नया प्रोडक्ट क्या होने वाला है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, व्हाट आर देयर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ, उनके एम्प्लॉयज़ कितने एफिशिएंट हैं, उनके एम्प्लॉयज़ कितने इफ़ेक्टिव हैं, मतलब ये एनालिसिस करने से हमें ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, उनके जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके बारे में हम सब कुछ पता कर पाएंगे। फोर पॉइंट है डिटरमाइन द वीकनेसेस ऑफ द कॉम्पिटिटर, जहाँ हमें कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, वहीं हमें उसकी वीकनेस भी पता होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि वीकनेस पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कॉम्पिटिटर की वीकनेस पता होगी तो हम उस चीज़ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, ज़्यादा अपनी उस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं जिसमें उसकी वीकनेस है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। वीकनेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय गोइंग थ्रू कंज्यूमर रिपोर्ट्स एंड रिव्यूज़ अपीयरिंग इन वेरियस मीडिया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल कंज्यूमर को अगर वो कोई चीज़ को यूज़ करता है, कोई चीज़ को यूटिलाइज़ करता है, तो फिर उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, या फिर अगर उसने कोई सर्विस अवेल कर रखी है तो फिर उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये सर्विसेज कैसी होनी चाहिए। अगर कंज्यूमर को कोई चीज़ या तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बुरी लगती है, तो वो डेफिनेटली अपना रिव्यू प्रोवाइड करता है। हम लोग भी बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर टिकटॉक है, और आजकल फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, इतने सारे ऐप्स हैं जिन पर अगर हम कोई चीज़ को परचेज करते हैं, कोई चीज़ को अगर हम कोई भी चीज़ अगर हम ख़रीदते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर बहुत बुरी लगती है, तो फिर हम अपना रिव्यू डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं कि ये चीज़ कैसी है। तो जो हमारा कॉम्पिटिटर है, वो हमारी जो भी सोशल मीडिया साइट है, जो भी उसके कॉम्पिटिटर की सोशल मीडिया साइट है, वहाँ पर जाकर रिव्यूज़ पढ़ सकता है, तो उसे पता चल जाएगा कि ये कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर रिव्यू अच्छे आते हैं तो फिर उसे ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छी सर्विसेज, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। और अगर रिव्यूज़ बुरे आते हैं तो फिर खुश होने की बात है, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, कंज्यूमर्स उससे सेटिस्फाई नहीं है। आफ्टर ऑल कंज्यूमर्स आर ऑफन विलिंग टू गिव देयर ओपिनियंस, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं अपना ओपिनियन देने के, स्पेशली व्हेन देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर ग्रेट और वेरी पुअर, या तो प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत ज़्यादा ग्रेट हों या फिर बहुत ज़्यादा पुअर हों, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन से या तो ऊपर हों या फिर नीचे हों, तो फिर वो ज़रूर रिव्यू प्रोवाइड करते हैं। और इससे हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि व्हाट आर दे लैकिंग,
मतलब किस चीज़ में हमारा कॉम्पिटिटर लैग कर रहा है, किस चीज़ में वो सर्विस प्रोवाइड अच्छे से नहीं कर पा रहा है। फिफ्थ पॉइंट है कि पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ के बारे में पता कर लिया, उसकी वीकनेस के बारे में पता कर लिया, तो फिर पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर। अब हम सारी इन्फॉर्मेशन को टुगेदर कर रखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे ठीक से। एट दिस स्टेज द स्ट्रेटजिस्ट शुड पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर अबाउट कॉम्पिटिटर एंड ड्रॉ इंटरफेस। और इस स्टेज पर आकर जो हमारा स्ट्रेटजिस्ट है उसको सारी इन्फॉर्मेशन टुगेदर रखनी चाहिए एंड ड्रॉ इंटरफेस अबाउट, और एक इंटरफेंस ड्रॉ करना चाहिए, मतलब एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए और एक इंटरफेंस ड्रॉ करना चाहिए कि व्हाट आर दे नॉट ऑफरिंग एंड व्हाट द फर्म कैन डू टू फिल अप द गैप। मतलब क्या हमारा कॉम्पिटिटर ऑफर नहीं कर पा रहा है, अब हमें ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ये तो हमें पता है कि क्या अच्छा अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको भी कोशिश करेंगे कि हम उसको कोप अप कर पाएँ, पर जो उसकी वीकनेस है सबसे पहले हमें उस पर काम करना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो उसका वीक पॉइंट है क्या हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकते हैं उसकी वीकनेस को मीट आउट करने के लिए, जो भी गैप्स हैं उसकी सर्विसेज में और हमारी सर्विसेज में। एनालिसिस करने के बाद अब हमें उन गैप्स को फिल करना है, उन गैप्स पर ध्यान देना है। द स्ट्रेटजिस्ट कैन ऑल्सो नो द एरिया विच नीड टू बी स्ट्रेंथन बाय द फर्म, और स्ट्रेटजिस्ट को ये एरिया पता करना होगा जहाँ पर जो हमारी फर्म है उसको अपनी स्ट्रेंथ मजबूत करनी है, मतलब उसको उसको उस पार्ट को स्ट्रेंथन करना है, यानी कि उस पार्ट पर काम करना है। इससे कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा, किस चीज़ से, एनालिसिस करने से। व्हाट विल द बिजनेस डू विद दिस इन्फॉर्मेशन, कि इस इन्फॉर्मेशन के साथ जो भी हमने इतनी सारी एनालिसिस करी, जो भी इतना ज़्यादा स्ट्रेटजिस्ट ने स्ट्रेटजिकली मैनेज करा सब चीज़ों को, स्ट्रेटजिकली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा हमारे बिजनेस को, उसका इन्फॉर्मेशन का हम क्या करने वाले हैं। एक तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। एंड वॉट इम्प्रूवमेंट डज द फर्म नीड टू मेक, और फर्म को क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए। हाउ कैन द फर्म एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर, कैसे फर्म अपने कॉम्पिटिटर को एक्सप्लॉइट कर सकती है, उसकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकती है। आखिर हमने इतनी सारी ये सब जो कैलकुलेशन करी है, जो भी हमने एनालिसिस करी है, वो करी ही इसलिए है कि हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाएँ। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। स्ट्रेटजिक एनालिसिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।